देखिए ये चीज़ गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गए हैं। ये काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। देखिए बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे बच्चे हो या बड़े सभी पसंद आता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो उसके लिए देखिए हमने ये 8 ब्रेड की स्लाइस ली है, और ये हमने 2 बड़े चम्मच गार्लिक जिनको हमने चॉप कर लिया है, ये हमने कोरिएंडर लीफ ली है, चिल्ली फ्लेक्स, और ये हमने मैगी मसाला लिया थोड़ा सा, ये अमूल चीज़ लिया है, और ये बटर। तो सबसे पहले हम बटर और गार्लिक को मिक्स करेंगे। देखिए गार्लिक में हम ये बटर ले लेंगे। तो हम सॉल्टेड बटर ले रहे हैं, ये हमने 2 चम्मच बटर लिए हैं, और ये चिल्ली फ्लेक्स, और ये कोरिएंडर लीफ लेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सबको। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो हम ये ब्रेड लेंगे और ब्रेड पे इसको हम अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ से, इस टाइप से। इसी टाइप से हम दूसरी ब्रेड पे भी लगा लेंगे। देखिए सब बटर ब्रेड पे हमने बटर लगा लिया है। तो इस पर हम ये चीज़ लेंगे, अच्छे से ग्रेट कर देंगे। तो हमें 2 ब्रेड पे करना है, इस चीज़ को मेल ग्रेट करना है इस टाइप से। तो देखिए ये जो चीज़ हमने ग्रेट किया है, इस पर हम थोड़ा थोड़ा ये मैगी मसाला डाल रहे हैं। आप चाहो तो इस पर पिज्ज़ा, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है या ओरिगैनो, कुछ भी डाल सकती हैं, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए, और जो ये दूसरी ब्रेड है, इस पर हम इसको ऐसे रख लेंगे। इसके ऊपर हम फिर से बटर लगाएं। देखिए इसके ऊपर हम ये बटर लगा ले रहे हैं ऐसे, इस टाइप से करके, ताकि अच्छे से इस पर बटर लग जाए। देखिए तवा हमने लिया है, तो जिस साइड से हमने ये बटर लगा रखा है, इस साइड से हम रख देंगे। इसके ऊपर हम फिर से बटर लगा देंगे दूसरी साइड से, क्योंकि हमने नीचे साइड में बटर लगाया था, और ऊपर भी लगा देंगे। इसको हम ढक करके इसको हम क्रिस्पी हो कर लेंगे। तो इसको हम ढक करके थोड़ी देर के रख दे रहे हैं, ताकि ये अच्छे से चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए गार्लिक ब्रेड बन चुकी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे। देखिए तो ये देखिए, ये गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गई है। तो इसको हम देखिए कट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनती है खाने में। इसमें काफ़ी देखिए चीज़ भी अच्छी। देखिए ये चीज़ गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गई है। ये काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। देखिए बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे बच्चे हो या बड़े सभी पसंद आता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर